अब बात करते हैं कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट क्या है। कोई बताएगा व्हाट इज जावास्क्रिप्ट क्या है? सिंपल सा, कोई बताएगा जावास्क्रिप्ट? बोलो भाई, बोलना तो सीखो आप लोग, सब पुराने बच्चे हो, नए बच्चे भी हो, जो भी आपको आइडिया हो बताएगा। जावास्क्रिप्ट क्या है? एक हाँ बढ़िया। हम सिंपल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, देसी अंदाज बोलो। बाकी लोग और बताएं, सब यूज करते हो जावास्क्रिप्ट? सब लोग यूज करते हैं, बोलो ना कुछ बोलने में। हाँ वेरी गुड, बढ़िया, और बताओ। हाँ बढ़िया, ठीक है बढ़िया, और बताओ। बाकी लोग बताएं, सही बोला है वो, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो क्या होगा, जब तक आप बोलोगे नहीं तो फिर मुझसे अपने डाउट कैसे पूछोगे, है ना? पॉइंट तो वही है ना, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बताओ सिंपल। हाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कंपाइल्ड होती है, सिंपल है ना, लाइट वेट होती है, देखो है ना, सही बोल रहे हो सब लोग, सिंपल है। देखो सिंपल सिंपल अगर बात करें, सब लोग सिंपल सी के बात करो, जावा स्क्रिप्ट एक लाइट वेट है ना। सिंपल से मैं बात करूं कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, एक लाइट वेट है, एक क्लाइंट साइड है। अब तो दोनों साइड हो गई, सर्वर साइड भी तो हो गई। अब लोड जेस पढ़ रहे हो ना आप लोग, पहले जावा स्क्रिप्ट क्या थी? पहले जावा स्क्रिप्ट कहाँ रन करते थे अपन लोग? ब्राउजर पे, पता है ना, यहाँ पे थी ना, ब्राउजर पर रन होती थी, सब लोग को पता है। पहले जावा स्क्रिप्ट जो थी वो एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी, है ना, क्लाइंट साइड। क्लाइंट जैसे अपन ने एक वेबसाइट बनाई, उसी वेबसाइट के अंदर अपन ने क्या किया, जावा स्क्रिप्ट का यूज कर दिया। मतलब सिंपल सा एक वैलिडेशन, एक फॉर्म वैलिडेशन की बात करता हूँ। हमने क्या किया, हमने एक बनाया फॉर्म, उस फॉर्म के अंदर हमने क्या लगा दिया, वैलिडेशन लगा दिया जावा स्क्रिप्ट की मदद से। कैसा वैलिडेशन? कि कोई वो 10 नंबर 10 नंबर से ज्यादा डाल नहीं सकता है, कोई डायरेक्ट करेक्टर तो 4 से ज्यादा डालेगा, है ना, ये वैलिडेशन। तो अब ये वैलिडेशन काम कब करते थे, कब करते थे, जब आपकी वेबसाइट चालू होती थी, है ना, जब वो फॉर्म भरता था, तभी तो काम करती है जावास्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड समझते हो ना, इसको क्लाइंट चला रहा है, आप लोग चला रहे हो। हमने एक डेवलपर ने क्या किया, एक फॉर्म के अंदर जावास्क्रिप्ट लगा दिया। अब वो चला गया कौन, जब आपकी वेबसाइट लोड हो जाएगी, जब उस पर कोई फॉर्म भरेगा, कोई 10 नंबर से ज्यादा डालेगा, तब एक मैसेज आएगा, प्लीज 10 नंबर तक ही डालो, आगे नहीं डाल सकते। तो ये वहां पे क्या लगी हुई है, जावास्क्रिप्ट। तो वो क्या थी, क्लाइंट साइड थी जावास्क्रिप्ट, है ना। और दूसरा क्या था, लाइट वेट, कम कोड में हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है ना, जावास्क्रिप्ट। और तो और एक क्वेश्चन मैं बताओ, सब लोग, सबने सी पढ़ी है, सी पढ़ी होगी थोड़ा बहुत, सबने सी सुना होगा थोड़ा बहुत। तो सी में जब आप कोई प्रोग्राम, जब सी के अंदर हम कोई प्रोग्रामिंग बनाते हैं, है ना, तो क्या होता है, जब रन करते हो इकट्ठी एरर आती है एक साथ, तो क्या हो, कंपाइल होता है ना उसके अंदर, सी के अंदर पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा और एकदम एरर लाके आपको सामने दिखा देगा, 50 एरर 40 एरर। माइक बंद कर लो, इसका साउंड पीछे आता हो, है ना, सबको पता है ना, एकदम खूब सारी एरर आती है। अब फिर आप उसको ठीक करते हो, कंपाइल होता है। अब पाइथन आपने पढ़ी होगी और जावा पढ़ी होगी, इनमें क्या होता है, हाँ क्या, हाँ लाइन में लाइन होता है ना, पढ़े ना मैं तो, है ना, जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी क्या होता है दादा, लाइन बाई लाइन इंटरप्रेटेड, लाइन बाई लाइन कोड चेक होते हैं, समझाया डिफरेंस। देखो जावास्क्रिप्ट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइन बाई लाइन कोड भी चेक कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, आप पाइथन के अंदर डेटा डिफाइन करने पड़ते हैं आप लोगों को, किसी ने पाइथन पढ़ी होगी, आप लोग उसके अंदर कभी डेटा टाइप लिखते हो कि ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये डबल है, करेक्टर है, लिखते हैं ना, कहीं लिखते हो, मगर सी के अंदर लिखनी पड़ती है ना, मगर जावास्क्रिप्ट में नहीं लिखना पड़ता कुछ भी। हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखना नहीं पड़ेगा कि ये इंटीजर है, ये करेक्टर है, ये फ्लोट है, ये डबल है। अब सोचो कितना बेनिफिट है, मतलब मेरे कहने में, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी, पढ़ा रहा हूं, तो आपको सी के कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, सी प्लस प्लस के कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, पाइथन के कंसेप्ट भी क्लियर होंगे आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के साथ में। देख लेना अभी पढ़ते पढ़ते जाओगे आप लोग, जब सी पढ़ते हो, जावा पढ़ते हो, पाइथन पढ़ते हो, स्टार्टिंग कहां से होती है, होती
होती है ना, वेरिएबल्स से स्टार्ट करते हो ना, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग इनसे तो होती है, सेम जावास्क्रिप्ट में स्टार्टिंग होती है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, एक लाइट वेट है, क्लाइंट साइड है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट में से हम डायनामिक वेब पेज बना सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे। अब तो देखो ना, आज आज तो नोड जेएस, रिएक्ट, एंगुलर, कितने सारी चीज आ रही, व्यू जेएस है ना। अब बात ये करते हैं कि ये चीज कैसी आई। पहले जावास्क्रिप्ट था एक क्लाइंट साइड, मतलब ब्राउजर पे रन होता था, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, अभी जो पढ़ रहे हो आप जावास्क्रिप्ट, ये ब्राउजर पे रन होता है, मगर अब हमारे सिस्टम पर रन होता है। अब जावास्क्रिप्ट की टीम ने सोचा, यार जैसे पाइथन रन हो रही है, जावा रन होती है, सी रन हो रही है, तो जावास्क्रिप्ट क्यों रन नहीं होती है हमारे सिस्टम में, कहीं होती है क्या? सबने देखा होगा, अभी हम देखेंगे ब्राउजर पे रन होती है। तो फिर वो V8 इंजन की मदद से उन्होंने उसको और डेवलप किया, एक बनाया नोड जेएस। तो नोड जेएस की मदद से हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या किया, नोड जेएस को डाउनलोड किया, अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया, फिर उसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, जावास्क्रिप्ट के कोड को अपने सिस्टम में रन कर पा रहे हैं। जैसे आप सी के कर लेते हो, पाइथन के कर लेते हो, जावा के कर लेते हो ना, अब जावा पे काम करना है तो जेडीके इंस्टॉल कर लिया, पाइथन में काम करना है पाइथन को इंस्टॉल कर लिया। अब ऐसे जब जावास्क्रिप्ट पे काम करना है, आपको रिएक्ट पे काम करना है, एंगुलर पे काम करना है, नोड पे काम करना है, एक्सप्रेस पे काम करना है, तो नोड जेएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक तो जावास्क्रिप्ट पहले से लाइट वेट था, बहुत हल्का था, और जावास्क्रिप्ट का यूज हर जगह होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे सिंपल सा एग्जाम्पल लेके, मैं बात ही नहीं कर रहा अभी मन मीन की कुछ भी, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट की। मैंने आपको दिखाया भी होगा कि जावास्क्रिप्ट यूज इन कंपनी, दिखाया था आपको शायद लास्ट क्लास में, मुझे याद नहीं है दिखाया कि दिखाया मैंने। देखो मैं सिंपल देख रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट को कौन कौन सी कंपनी यूज करती है, ओनली जावास्क्रिप्ट, ना कि मन ना मीन। तो देखो आप यहाँ पे देखो, सबसे ऊपर नाम आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट, देखो लिखा है नोड जेएस, देखो आप लोग, और नीचे आओ पेपाल जावास्क्रिप्ट, देखो नीचे नेटफ्लिक्स नोड जेएस, दिख रहा है सबको नोड। जब से नोड आया ना, जावास्क्रिप्ट तब भी यूज होता था, और जब से नोड और आ गया ना, तब तो खतरनाक तरीके से यूज चालू होना हो गया। देखो तो दिख रहा है ना, एक्सप्रेस, देखो नीचे आओ, देखो देखो ये तो देखो ऊबर, ये देखो फेसबुक, फेसबुक की लाइब्रेरी रिएक्ट है ना, रिएक्ट देखो, देखो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये सब किस पे बने हुए हैं, रिएक्ट पे बने हुए हैं, सब यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का। और जब रिएक्ट एंगुलर भी नहीं थे ना, तब भी सब लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते थे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट से ही निकली जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी जेक्वेरी, एजेक्स है ना। तो मेन क्या है, जावास्क्रिप्ट। बहुत मैं बच्चों से खूब कहता हूँ डिजाइनिंग में, डिजाइनिंग जो पढ़ते हैं, मैं कहता हूँ जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ लो, बच्चे नहीं पढ़ते हैं। और अब देखो वही पढ़ना पड़ रहा सारा कुछ, तो देखो गूगल देख लो, गूगल जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर देखो नीचे आकर नोड, दिख रहा है सबको नोड जेएस, देखो वॉलमोर, देखो सब, देखो तो गया है, सारे बड़ी कंपनियां हर कोई जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहा है। और जब से नोड जेएस मार्केट में उतरा है, नोड जेएस से इतना फायदा हो गया कि अब नोड जेएस, जैसे ही हमारा नोड जेएस आया, अब उन्होंने कहा कि अब हम खुद के डेटाबेस यूज करेंगे, है ना। अब अभी तक क्या होता था कि क्लाइंट साइड था ना, तो हम कनेक्टिविटी नहीं कर पाते थे डेटाबेस के साथ, कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी ना जावास्क्रिप्ट से डेटाबेस की, तो फिर हमें कहीं ना कहीं पीएचपी यूज करना पड़ता था, या जावा या पाइथन कुछ भी यूज करने पड़ते थे। जैसे नोड जेएस आया ना, तो उन्होंने कहा अब तो हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर लेंगे, उन्होंने खुद का बना दिया मंगोडीबी। फ्रंट एंड रिएक्ट यूज करो, बैक एंड हमारा डेटाबेस और नोड जेएस यूज करो, झंझट खत्म। वैसे फास्ट था और फास्ट हो गया, पिक्चर क्लियर बिल्कुल इतनी यहां तक, ठीक है। लाइट वेट है, क्लाइंट साइड है, फ्री एकदम है ना, थोड़ी समझ ली। अब प्रैक्टिकल पे आते हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल ज्यादा पढ़ना पसंद करता हूँ। अब देखो यहाँ पे सिंपल, मैंने सिंपल एक फाइल बनाई HTML की, सिंपल सी एक फाइल, मैं सब लैब में समझा रहा हूँ। आप लोगों को VS कोड पे काम करना हो तो आप लोग VS कोड पे काम कर लेना, ठीक है। सब लैम पे काम करना है, सब लैम पे काम कर लेना, ठीक है। तो हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक बना रखी फाइल, किसी भी नाम से ना लो फाइल, और यहाँ पे लिखा मैंने सिंटेक्स HTML का, लिखना चाहो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर सिंपल लिख रहा हूँ स्क्रिप्ट, ठीक है, और नहीं लिखना है तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ स्क्रिप्ट, ठीक है, सिंपल स्क्रिप्ट, मगर सिंटेक्स नहीं लिखना है मुझे, तो मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी है। देखो अब मैंने इसके अंदर, मैंने आपसे पहले क्या बोला, जावास्क्रिप्ट एक लाइट वेटेड है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम इसके अंदर डेटा टाइप का यूज नहीं करते। दिखाता हूँ, हम जावास्क्रिप्ट को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, जानते हो दो तरीके कौन कौन से होते हैं वो देखो। पहले देखा मैंने यहाँ पे, एक तरीका होता है इन पेज, इन पेज मतलब यहाँ पे इस तरीके से स्क्रिप्ट, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यूज करते हैं। एक तरीका ये होता है स्क्रिप्ट लगा के ऐसे एक। अब
आप लोगों को पता होगा कि हम पाइथन के अंदर किससे प्रिंट करते हैं, प्रिंट का यूज करके, है ना। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर आप किससे प्रिंट करोगे, तो उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं। मैंने लिखा हेलो ग्वालियर। जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिंट करने का काम कौन करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसकी मदद से हम ब्राउजर पे प्रिंट कर सकते हैं। देखो सो होगा, देखो सेव किया, ओपन ब्राउजर किया, देखो दिखा गया हेलो वर्ल्ड, दिख रहा है सबको। पाइथन में किसका यूज करते हैं, प्रिंट का यूज करते हैं ना सब में। जावास्क्रिप्ट में किसका यूज करोगे आप, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। ये कौन सी स्क्रिप्ट है हमारी, इन पेज। इन एक होती है एक्सटर्नल, है ना, वो अपन कैसे लिखते हैं, नीचे यहां पे आके यहां लिखा मैंने स्क्रिप्ट ऐसे, इसके अंदर src ऐसे। अब मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाऊंगा एक फाइल, ठीक है, जिसको मैं किससे सेव करूंगा, जेएस से, ठीक है। मैंने नई फाइल, हाँ, मैंने नई ए डी डॉट जेएस नाम से फाइल, नाम से डी डॉट जेएस नाम से बनाता हूँ फाइल। देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर राइट क्लिक किया, न्यू किया, लिखा मैंने डी डॉट जेएस, ठीक है। इस फाइल को मैं लिंक कर देता हूँ डी डॉट जेएस। ये कौन सी हुई हमारी, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ये हमारी कौन सी है, इनलाइन जावास्क्रिप्ट, वो इन पेज, इन पेज बोलते हैं इसको। मैंने ये कोड कॉपी किया यहां से और यहाँ पेस्ट कर दिया, देखो, और यहाँ लिख देता हूँ हेलो आईटीएम, ठीक है। और दोनों चेक कर लेते हैं दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग हो रही है सब लोग। तो दोनों आ गए, हेलो ग्वालियर आ गया, हेलो आईटीएम आ गया। तो ये हमारी कौन सी है, इन पेज जावास्क्रिप्ट, और ये हमारी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ज्यादातर जावास्क्रिप्ट का हम लोग यूज बॉडी के एंड में ही करते हैं ना, नीचे लगाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई आप लोगों को, बाकी लोग। अब देखो कोड कैसे चेक होते हैं, लाइन बाय लाइन, है ना, ध्यान रखना आप लोगों, अब एक तरीका, एक जो सबसे मेन है जो हम यूज करेंगे अपने आगे चल के नोड के अंदर, एक्सप्रेस के अंदर, वो होता है कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करने के लिए। ये हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक है, आगे चल के अपने में, क्योंकि हमें तो नोड के लिए पढ़ना है ना। हम जो जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, अपने नोड के लिए, रिएक्ट के लिए, है ना। तो जो सबसे ज्यादा जो यूज करेंगे हम लोग, वो यूज करेंगे कंसोल डॉट लॉग। ये कहाँ प्रिंट होगा, आप लोगों ने जब डिजाइनिंग सीखी होगी, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि स्पेक्ट एलिमेंट जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबके लिए, इसकी नॉलेज सबको होनी चाहिए। देखो एलिमेंट सिखाया था मैंने, एलिमेंट में एचटीएमएल चलता है, यहाँ पे सीएसएस चलता है, ये है कंसोल। देखो लिखा रहा है हेलो आरजेटी। जावास्क्रिप्ट में जब भी कोई एरर आती है तो हमें कहाँ मिलेगी, कंसोल के अंदर, है ना। तो दिखाता हूँ, तो प्रिंट हो रहा है कंसोल। देखो ये, अब मान के चलो मैं कुछ भी गलती कर देता हूँ, मैंने लिख दिया ई, जो गलत हो गया। अब देखना यहाँ पे, देखो दिख रहा है आप लोग एरर, देखिए सबको एरर। जावा स्क्रिप्ट में जब भी आप एरर आएगी तो कहाँ चेक करोगे, जावा स्क्रिप्ट में, नोड में, कहाँ चेक करेंगे हम लोग, कुछ भी आएगा तो कंसोल के अंदर। बिल्कुल बेसिक चल रहा हूँ, है ना, कुछ ऐसा एडवांस नहीं हो गया, है ना सब लोग। अब इतना तो आप, इतना तो पता होगा ना बेसिक चीजें, एचटीएमएल के सिंटैक्स, ये चीजें तो सब लोगों को, है ना, ये तो सबको पता होगा ना जब सीख रहे। तो कंसोल कहाँ यूज करते हैं हम लोग, कंसोल के अंदर, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, इन पेज जावास्क्रिप्ट है, ये हमारा कौन सा है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है। इतनी कहानी क्लियर हुई सबको मेरी, बताएं बाकी लोग, यस है नो, बाकी लोग और बताएं, 50-30 है ना। चलो अब इतना नोट करो, पहले आप नोट करो, आप लोग आप बना लो फाइल, एक एक बना लो फाइल प्रैक्टिस के नाम से, ए डॉट बता देता हूँ, ए डॉट एचटीएमएल, HTML, अरे HTML, और एक डी डॉट जे एस नाम से, दो फाइल फाइल ना लो, ला के देखो इतना। अब सिंटेक्स लिखना तो आता है ना सबको HTML का, इतना बेसिक चीज़ तो, और इतना नोट करें आप लोग पहले, और रन करके देखें आप लोग पहले इतना। लैपटॉप पे सब लोग क्लास लिया करें, है ना। देखो जो पुराने स्टूडेंट हैं उन सबको पता है कि लैपटॉप पे क्लास लेनी होती है, जो नए बच्चे हैं वो भी लैपटॉप पे क्लास लें, कोई लेक्चर ना सुने। मैं कोई लेक्चर तो दे नहीं रहा हूँ, मैं हल्के हल्के कोड करा रहा हूँ आप लोगों को। अब आप सोचो कि मैं मोबाइल पे क्लास ले रहा हूँ, बाद में सर की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, बाद में देख लूंगा, तो उससे कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का।
रखना, यूट्यूब पे ऐसे कितने वीडियो पड़े होंगे मन मीन के, बहुत सारे है ना। मैं सिर्फ यूट्यूब पे इसलिए अपलोड करता हूँ कि जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो भूल जाए तो वहां से देख लें, मगर साथ में कोड जब तक नहीं करोगे आपको नहीं आएगा कुछ भी। यहां मैंने समझा दिया, अब आप चला के देखो, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछो। अब तुम सोचो कि नहीं हम मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं हम बाद में कर लेंगे, तो बाद में कभी कुछ हुआ ही नहीं है ना, तो आप ही का नुकसान होगा। नोट हो जाए बता देना, फिर मैं आगे चलूंगा, आगे फिर और चीज बताऊंगा। कोडिंग का मतलब तो ये होता है ना, कार सीखने आप जा रहे हो और जब तक कार वाला आपको गाड़ी नहीं सिखा चलवाएगा तो आप कैसे सीख जाओगे, है ना। कार सीखने जाते हो तो कार आपको सिखाता है ना बैठा के, ऐसे गियर डालो ये सब चीज करो, उसमें सेम सेम वही लिखा है, सेम लिखा है ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला पार्ट सेम। नोट हो जाए तो बता देना, और जब आप लोग बोल दोगे कि सर मेरा नोट हो गया है फिर मैं आगे बढ़ूंगा, तब तक मैं ये रुका रहूंगा, है ना। जब नोट करोगे, कोड नोट करोगे, चला के देखोगे, कोई डाउट आएगा पूछोगे, तभी तो चीजें क्लियर होंगी आप लोगों को। अब मैं ये तो कहूंगा नहीं कि आप लोग अपने अपने स्किन से करो, क्योंकि आप बच्चे तो हो नहीं स्कूल के, बस मैं कह ही सकता हूँ। बाकी 2-3 दिन में आप लोगों से खुद ही मालूम पड़ जाएगा कितना आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा प्रिंट कैसे करते हैं, अब दूसरा पॉइंट आता है जो मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग इसके अंदर इंटीजर करेक्टर फ्लोट का यूज नहीं करते, मतलब डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, सब लोग समझते हो वेरिएबल्स क्या होते हैं जिसके अंदर हम डेटा की वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा, देखो सब लोग यहाँ पे है ना, मैं देखो वेयर एक होता है वेयर, हम वेयर का बहुत ही कम यूज करते हैं, मतलब करते ही नहीं है, ना के बराबर करते हैं, है ना। तो मैं अभी समझा रहा हूं, ठीक है। तो माइक बंद कर लो, किसी को माइक ऑन है। देखो मैं लिखा यहाँ पे वेयर, ठीक है, वेयर लिखा मैंने ए बराबर, लिखा मैंने यहाँ पे 10। तो अब इस ए के अंदर क्या स्टोर हो रहा होगा, क्यों सब लोग बताओ, 10 स्टोर हो रहा है ना, वेरिएबल्स है ना, ए के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, 10 को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को, यहाँ पे ए के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, 10 को। अब देखो मैंने लिखा वेयर है ना, हम लेट भी लिखते हैं लेट, अभी मैं सिखाऊंगा कि लेट और वेयर में कॉन्स्टेंट में क्या डिफरेंस होता है ना, तो मैं लेट लेके चल रहा हूँ। मैं लिखा लेट वी इक्वल टू, लिखा यहाँ पे राम। अब ये राम क्या है, हमारा स्ट्रिंग है ना, तो वी के अंदर क्या, ये वेरिएबल्स समझाता जाऊंगा। तो मैं लिखा सी इक्वल टू, मैं लिखा यहाँ पे 4.25, देखो फ्लोट वैल्यू लिखती है, ठीक है। फिर लिखा मैं लेट डी इक्वल टू ट्रू, ट्रू ट्रू जानते हो ना कौन सी वैल्यू होती है, सब लोग बूलियन वैल्यू होती है ना, ट्रू फॉल्स करते हैं, बूलियन वैल्यू यूज करते हैं। लिखा मैं लेट टी ए बी सी डी। अब एरे, आपने एरे पढ़ा होगा, सामने सामने सुना है एरे, एरे में क्या होता है, सेम टाइप की वैल्यू नहीं, जो सी में पढ़े होंगे सामने, सी में सामने क्या पढ़े होंगे एरे में, हाँ होता है ना, सेम सेम टाइप सिमिलर टाइप है ना, आपको साइज साइज डिफाइन करना पड़ता है वहां पे। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा ए इक्वल टू 10। अब अगर मैं यहाँ पे ए को प्रिंट करूं, सिंपल लिखूं मैं, आप दिमाग चलो आप सी ही पढ़ रहे हो, सिंपल प्रिंट किया, तो अब जाके चेक करता हूँ कि ए ब्राउजर प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो चलो, देखो प्रिंट हो गया ये, अब मैं ये बंद कर देता हूँ भी, है ना, इसको थोड़ा थोड़ा देख लिया, तो 10 प्रिंट हो गया। अब खुद देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कहीं लिखा कि ये इंटीजर है करेक्टर, कुछ लिखा मैंने यहाँ पे कहीं ऐसे इंटीजर कुछ नहीं लिखा ना, हमें यहाँ पे कोई लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, पाइथन भी पढ़ी होगी आपने, वहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, यहाँ पे आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है,
ठीक है। अब ऐसे में लिखता हूं बी, देखो बी प्रिंट हो गया राम, लिखता हूं सी, देखो प्रिंट हो रहा डायरेक्ट, कहां प्रिंट हो रहा है ब्राउजर पे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या थी, क्लाइंट साइड थी, तो ब्राउजर प्रिंट हो रहा है भाई। अभी हमारे सिस्टम में प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट, नोड नहीं पढ़ रहे हम लोग अभी, वैसे क्या पढ़ रहे हैं, ओनली जावास्क्रिप्ट। डी, डी हमारा क्या है, बूलियन वैल्यू, देखो ट्रू फॉल्स आ रहा है। और ई, अब बात करते हैं ई, ई है एरे, तो यहां पे जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे की डेफिनेशन क्या कहती है, कि ये कहती है कि एक वेरिएबल जो ई नाम का है ना, ये एक वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के, आपको दिख रहा है मल्टीपल टाइप के डेटा है, राम वन ट्रू दिख रहा है आपको, मल्टीपल टाइप के दिख रहे होंगे आपको, है ना, तो क्या कहता है यहाँ पे एरे, यहाँ पे एरे ये कहता है, एरे बोल लो इसको, एरे बोल लो, या पाइथन के अंदर लिस्ट बोल लो, लिस्ट पढ़ी होगी आपने पाइथन के अंदर, उसको लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। थीके? तो यहाँ पे कहता है कि एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को हम लोग यहाँ पे एरे कहते हैं। जैसे आप मार्केट जाते हो, मार्केट गए बैग सब्जी लेने, तो आप ऐसा तो करते नहीं हो कि आलू के लिए लेके जा रहे हो अलग बैग, लौकी के लिए अलग बैग लेके जाते हो, आप लेके जाते हो एक बैग, उसी एक बैग के अंदर आप आलू टमाटर लौकी कद्दू दाल चावल जो रखना वो रख लाते हो, वही यहाँ पे एक एरे है। एरे यहाँ पे क्या कहता है कि एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को हम लोग एरे कहते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ई नाम का एक वेरिएबल बना हुआ है, और इसके अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर दिख रहे हैं, है ना। अब मैं सेव करता हूँ, चेक करता हूँ, देखो तो प्रिंट हो गया, कोई एरर आई हमारी, कोई यहाँ पे एरर नहीं आया, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एरे दिखाता हूँ सही तरीके से दिखता कैसे है, और एरे की जो इंडेक्सिंग वैल्यू स्टार्ट होती है ना, वो 0 से 0, 1 2 3 4, है ना, 0 पे राम आता है, 0 से स्टार्ट होती है, एरे की जो इंडेक्सिंग वैल्यू स्टार्ट होती है ना, तो होती है 0 से 0 1 2 3, है ना। अब मैं आपको एरे सही तरीके से दिखाता हूँ कंसोल में, तो आपको और ये चीजें आप अपनी आंखों में कैद कर लो, एरे है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, इनको कैद कर लो, कभी भूलना नहीं इन चीजों को। देखो राइट क्लिक करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ, कंसोल पे आया, देखो देखो दिख रहा है यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं, लेंथ 4 है इनकी एरे की। देखो 0 पे क्या दिखा रहा है, राम, 1 पे जो 1 लिया आपने, 2 पे ट्रू, 3 पे ये, और लेंथ कितनी है इसकी, 4, दिख रहा है ना सबको एरे कैसे दिखता है कंसोल में, पॉइंट समझ आ रहा है सबको एरे का। एरे क्या कहता है, एक वेर बिल्कुल बेसिक्स है, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या बाकी लोगों को, सही आ रही है सर? तो फिर तुम्हारा नेट दिक्कत दे रहा होगा, तो सवाल नहीं आपका नेट प्रॉब्लम कर रहा होगा। तो यहाँ पे एरे की डेफिनेशन क्या हो रही है, कि एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को हम लोग एरे कहते हैं। एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ऐसे 0, तो अब ये क्या प्रिंट करके देगा मुझे, अकेला राम, देखो राम प्रिंट किया उसने अकेला। और अगर मैं यहां लिख दूं ये 7, तो कुछ है नहीं, अनडिफाइन देगा ना, समझ आई ना। लिखू मैं 2, 2 पे क्या आएगा, 0 1 2, ट्रू आएगा ना 2 पे, देखो समझ आई अरे की थी सबको। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो ये तो सिर्फ मैं समझा रहा हूँ डेटा क्या होते हैं, बाकी डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट चीज, मैं आपको जो जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ ना, नोड जेएस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, रखना एफ लगाया कर्ली ब्रैकेट्स का साइन बन गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट, दिख रहा है साइन जी, ये साइन ऑब्जेक्ट है ना, जिसको आप पाइथन में डिक्शनरी बोल लो, जेसन बोल लो, है ना। अब इसमें अंदर मैं लिखा, देखो नेम कोलन लिखा मैंने राम, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी हो गई ऑब्जेक्ट की, जिसकी वैल्यू हो गई, जी होता है ऑब्जेक्ट का साइन, है ना, जिसकी प्रॉपर्टी है नाम और जिसकी वैल्यू, पाइथन में इसको बोलते हैं की और उसकी वैल्यू, कुछ भी समझ लो आप लोग, ठीक है ना। अब मुझे दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, कॉमा, ऐसे फिर लिखा मैंने सिटी, ठीक
डाल दिया मैंने, डाल दिया। फिर दूसरा डालना है तो कॉमा, ठीक है, डाल दिया फोन, सिंपल। ये हमारा क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन क्या होती है, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के ऑब्जेक्ट हो, प्रॉपर्टी को स्टोर करने को ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब जानते हो इस ऑब्जेक्ट के अंदर, समझना, हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी, एरे और फंक्शन और ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अरे देखो, दिखाता हूँ कैसे कैसे, अभी पढ़ेंगे आगे चल के डिटेल में अपन पूरा अच्छे से। देखो आपको मैं दिख रहा है, ये नाम का एक ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है, कुछ प्रॉपर्टी स्टोर कर रखी मैंने इसके अंदर। और देखो एक ऑब्जेक्ट एरे, दिख रहा है, एक ऑब्जेक्ट एरे। चलो देखो, फिर देखो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर रखा है, फिर देखो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने फंक्शन स्टोर कर रखे हैं, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कितना सारा डेटा स्टोर कर रखा है, दिख रहा है सबको, सबको याद है। यही हम यूज करने वाले हैं, इसी को यूज करेंगे अपन किसमें चल के, यहाँ पे MongoDB। जो आप MongoDB पढ़ने वाले हो ना, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट बेस्ड है, जो आप पढ़ने वाले हो ना पूरा ऑब्जेक्ट बेस्ड है, यही सब चलने वाला है। ये दिख रहा है ना, ये दिखा रहा हूँ चीजें, ये चीजें, ये सब चलने वाली है, ये सब ऐसे जैसे सेम। समझ आ रहा है सब लोगों को चीजें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये क्लियर हो रही है कितना? चलो आओ इस पे। तो अब देखो, अब एक चीज यहां पे देखो, अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को ब्राउजर प्रिंट करता हूं, ठीक है, मैं यहां पे आता हूं, मैं इसको थोड़ा बंद कर लेता हूं और यहां पे लिखता हूं, कोई डाउट हो पूछ लेना, मैं लिखा यहां पे एफ। तो हम ऑब्जेक्ट को ब्राउजर पे डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते। देखो अभी मैं जाता हूं और मुझसे क्या कह देगा, देखो क्या कह देगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को ब्राउजर में डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, जेसन स्ट्रिंगिफाई का यूज करना पड़ेगा, ऊपर आगे चल कर देखेंगे। हाँ, अगर इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो ब्राउजर पे, नहीं, कुछ नहीं करा सकते, कुछ कुछ नहीं करा सकते ऑब्जेक्ट को। देखो दिख रहा है, देखो कुछ नहीं कर सकते। मैं लिखता हूँ एलर्ट, देखो मैंने एफ, चलो क्या आया इसके अंदर, हम ऑब्जेक्ट को ब्राउजर पर डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है, करना, हाँ करना है तो स्ट्रिंगिफाई का, जेसन स्ट्रिंगिफाई का यूज करेंगे, क्योंकि तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है ना। अब देखो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो, है ना, ऐसे मैंने लिखा यहाँ पे एफ डॉट, मैंने कहा कि मुझे इसकी नेम चाहिए, तो मैं लगा दू एफ डॉट नेम, ऐसे एफ डॉट नेम, तो मुझे क्या दिखा देगा, नेम दिखा देगा। देखो देखो नेम उठ के आ गया, सब लोग दिख रहा है ना, सब लोग नेम दिख रहा है ना, नेम यहाँ पर नेम लिखा हुआ हम आ गया। अब मैंने कहा सिटी पता करो मुझे, सिटी, ऐसे तो सिटी आ गया, आ गया। मगर मैं आपको कंसोल में दिखा सकता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं आपको लेके आता हूँ कंसोल में, तो आप सही तरीके से देख पाओगे ऑब्जेक्ट को। देखो दिख रहा है यहाँ पे कंसोल में, देखो सब लोग देखो, दिख पा रहा है कंसोल में सबको ऑब्जेक्ट, नेम, सिटी, वाली है ना, ये तो मैंने कुछ ही फील्ड नहीं, अभी बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे सब चीजें हम लोग, ये अभी तो मैं बेसिक बेसिक आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और देखो अगर उस पर प्रिंट करना है ब्राउजर पे, तो इस तरीके से हम यूज कर लेंगे स्ट्रिंग फाइल का। यहाँ पे आया मैंने, ये लगाया स्ट्रिंग फाइल, और देखिए इसके अंदर एफ ना, ये देखो ब्राउजर पे प्रिंट करना चाहते हो तो क्या होगा, जी ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है ना ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जेसन स्ट्रिंग फाइल से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जाके कुछ ब्राउजर पे क्या प्रिंट होता है, स्ट्रिंग में प्रिंट होता है ना सब कुछ। देखो अब देखो पूरा प्रिंट हो गया स्ट्रिंग में, दिख रहा है ना सबको ना, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते ब्राउजर पे, है ना, कैसे प्रिंट करोगे, या तो ऐसे प्रिंट करोगे वही लिख के नेम डॉट करके, है ना, और नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके तब तो प्रिंट करते हैं, एफ डॉट नेम ऐसे प्रिंट कर सकते हो आप लोग, नहीं तो फिर इससे कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग, और कंसोल में चेक करना है तो ऐसे कर सकते हो। समझ में आया आप लोगों को, ऑब्जेक्ट दिखता कैसे है, एरे दिखता कैसे है, बाकी लोग बताएं। अरे
अब एक बना लो फाइल आप डेटा टाइप डॉट एस टी एम एल। फिर अभी आगे चल के ये समझाता हूँ कि वेर लेट। हाँ अभी आते हैं आते हैं आते हैं, वेरिएबल ही है ये, अभी समझाते हैं। हाँ बताएंगे अभी बताएंगे, इसके बाद बताएंगे। वैसे तो बैर हमें अब यूज करना ही नहीं है, बैर अब यूज होना बंद ही हो गया है, लेट का यूज होता है। अगर फीजिए ना कब आपको पता होना चाहिए बैर क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, डिफरेंस क्या है, तीनों को समझाऊंगा अभी। नोट करो सब, बना लो फाइल एक डेटा टाइप डॉट एस टी एम एल। जो मैं पढ़ा रहा हूँ घर पे प्रैक्टिस भी करना आप लोग, ये नहीं कि यहाँ पढ़ लिया अब कुछ नहीं, अब मंडे को सर से मिलेंगे वहीं पढ़ेंगे देख लेंगे, तो उसकी चीजें क्लियर नहीं होंगी आप। ओके अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा, एरे क्लियर नहीं होगा, जब यहाँ पे जब डेटाबेस सीखोगे जब मोंगोडीबी, तो उसमें सारा क्लियर सीखा चलता है, ऑब्जेक्ट का सब चीजें सीख चलती हैं, तो आपको चीजें कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, फिर आप परेशान होंगे। मेरे रिकॉर्डिंग थोड़ी पुश कर दो। चलो अब मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी थी, तो आपको समझाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा था एक वेर, और वेर का हम यूज करना बंद हो गया एक तरह का, तो मैंने लिखा 10। अब देखो वेर में घाटा क्या है वो देखो आप, यहाँ पे घाटा क्या है, आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, आप एक बैकएंड पे काम कर रहे थे एक प्रोजेक्ट पे, ठीक है आपने बैकएंड पे काम कर रहे हो, आप मान के चलो आपने डेटाबेस से डेटा लेके आए और ए में स्टोर कर लिया, ठीक है आप ये सोच चलो कि आप मोंगो डीबी से डेटा लेके आ रहे हो और आपने ए के अंदर स्टोर कर लिया कुछ भी, और उसको आप ब्राउजर पे दिखा रहे हो, यहाँ पर रन कर देता हूँ, ब्राउजर भी दिख रहा है आपको 10 यहाँ पे। अब आपने इतना काम करके चले गए, अब कोई एक नया बंदा आया वो भी आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उसने ये नहीं देखा कि आपने ए के अंदर कुछ स्टोर कर रखा है पहले से ही, ठीक है उसने गौर नहीं किया। अब वो आया उसने भी लगाया वेर ए स्क्वल टू दिया राम, अब क्या प्रिंट होगा यहाँ पे बताओ, 10 की राम, राम प्रिंट होगी ना। अब मान के चलो शिवानी ने डेटाबेस से डेटा लेके आई और ए में स्टोर कर दी, ब्राउज़र पे शो करा रही थी वो, मान के चलो कोविड की वो सो रही थी कितनी वैक्सीन लग चुकी हैं ए के अंदर, ठीक है अब कोई और आया उसने ए में कुछ और शो करा दिया, तो अब क्या हुआ यहाँ पे जो वैक्सीन सो रही थी 10 लग गई है, वो यहाँ पे क्या सोने लगा राम। अब कोई एक और कोई और बंदा आया वो भी काम करते, एक प्रोजेक्ट पे दो तीन लोग काम करते हैं है ना, तो काम चल रहा है रनिंग में, एक बंदा आया उसने ले लिया वेयर ए स्क्वल टू डाल दिया ऐसा कुछ डाल दिया ऐसा कुछ है ना, उसने अपना कुछ कर लिया होगा, उसने कहा ठीक है, उसने रिफ्रेश किया उसका चल गया है ना, अब यहाँ पे क्या सो रहा है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक ही वैल्यू वेरिएबल चेंज हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है तो सही है गलत है ये आपके हिसाब से, बाकी लोग होनी चाहिए चेंज क्या सोचो, पॉइंट पॉइंट समझो ना, नहीं चेंज होनी चाहिए ना, तो पंगा हो जाएगा, हम भूल गए तो गड़बड़ी हो जाएगी ना कहानी, तो इसलिए अपन यूज कर लेते हैं लेट का ना, लेट है तो बैर का सीरी यूज होना बंद हो गया है, तो ज्यादातर ये यूज होता है ना लेट का हम यूज कर लेते हैं, अभी समझाऊंगा। और जो सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे किसका, इसका कॉन्स्टेंट का ना, जो मैं आपको अगली बार समझाऊंगा, हम जो सबसे ज्यादा यूज करेंगे ना वो यूज करेंगे कॉन्स्टेंट का, समझाया आगे आगे बताएंगे बताएंगे अभी बताएंगे डिफरेंस है ना, तभी तो एक मिनट रखो मैं मैसेज डाल दूं बैच का बताता हूँ, एक मिनट मैसेज डाल दूं इससे टाइम हो गया ना बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। देखो अब मैंने यहाँ पे लेट लेट लिखा लिखा मैंने बी, ठीक है और मैं इसको बिठा रहा हूँ सब देखना, मैं लिखा बी, अब ब्राउजर पे आया तो 10 प्रिंट हो गया, सबको दिख रहा है ना यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया है ना। अब मैंने फिर लिखा लेट बी इक्वल टू 20, ठीक है अब बताओ 20 प्रिंट होगा कि एरर देगा, ये देखो अब यहाँ पे तो कुछ नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कंसोल में एरर आ गई, बताया था ना हम लोग एरर कहाँ चेक करते हैं कंसोल में, देखो एरर दे गया क्या कह रहा
वी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, है ना, है ना। अभी और समझाऊंगा, अभी और समझाऊंगा अगली क्लास में डिटेल में और अच्छे से। इतना पॉइंट सबको समझ में आ गया? अब आज जो मैंने आपको कराया है बैच के अंदर है 39,